हेलो दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आज के मैच के प्रेडिक्शन के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो मुकाबला होने वाला है मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच, जो अब लगभग 8 बजे शुरू होने वाला है, लगभग इसके लिए 12 घंटे बच चुके हैं। अब तक मुंबई इंडियंस ने 3 में से 1 मैच जीत चुके हैं और चेन्नई ने 3 में से 3 मैच जीते हैं। आपको इस मैचों से पता चल रहा है कि मैच में किसका पकड़ा भारी है। तो चेन्नई सुपर किंग ने का पकड़ा मैच में बहुत ही भारी है और मुंबई मुंबई में फॉर्म है, लेकिन मुंबई हार रही है हर मैचेस। तो लगभग इनका, मुझे लगता है ये मैच जीतने की कोई संभावना नहीं बता, क्योंकि ये मैचेस टफ होते हैं मुंबई वर्सेस चेन्नई के बीच। फिर हम फैंटेसी प्रेडिक्शन के लिए पिकअप करते हैं, क्रिएट टीम करते हैं। तो मैंने टीम क्रिएट कर दी है, वही टीम मैं अभी क्रिएट करने वाला हूँ आपके सामने। ये देखिए, तो हमें पहले विकेट कीपर को चूज़ करना है। यहाँ पर विकेट कीपर 2 खेलते हैं हर मैच में, जो क्विंटन डिकॉक है, ये महेंद्र सिंह धोनी। पिछले मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने 75 मारे थे और उसी के दौरान क्विंटन डिकॉक ने भी अपनी 50 50 पूरी की थी। लेकिन तो क्रेडिट्स के हिसाब से हमने महेंद्र सिंह धोनी को सेलेक्ट करना है, क्योंकि इनके क्रेडिट्स भी कम हैं और दूसरे प्लेयर सेलेक्ट करने में हमें आसानी होगी। और महेंद्र सिंह धोनी का फॉर्म भी अच्छा है। देखिए, इनका पॉइंट्स अभी तक 83 पॉइंट्स और 77, इन्होंने एक ही मैच में 77 पॉइंट्स निकाले। मुझे लगता है हम इन्हें सेलेक्ट करते। फिर हम जाएंगे बैट्समैन की, बैट्समैन में अभी देखिए रोहित शर्मा अच्छे प्लेयर्स माने जाते हैं, लेकिन इनका फॉर्म थोड़ा कम चल रहा है। लेकिन एक 50 पूरी की है इन्होंने भी, और पिछले मैच में, सॉरी 50 पूरी नहीं की, 48 पर आउट हो चुके थे और पिछले मैच में 36 मारे थे, नॉट आउट थे, लेकिन उन्होंने अंपायर ने उन्हें आउट ठहराया था। अब फिर शेन वॉटसन अच्छे फॉर्म है, अंबाती रायडू का फॉर्म नहीं है, रैना का फॉर्म है, फिर केदार जाधव, सूर्य कुमार यादव, युवराज सिंह का फॉर्म बहुत ही है, युवराज सिंह। यहाँ पर इतने प्लेयर्स हमें चूज़ करने, देखिए हम चूज़ करते हैं रोहित शर्मा को चूज़ करते हैं, हम इनमें से रैना को चूज़ करते हैं, फिर हम युवराज सिंह को चूज़ करते हैं। इसमें से हमें क्रेडिट के हिसाब से मुझे लगता है हम अंबाती रायडू को चूज़ करेंगे। इनका यह मुंबई इंडियंस की तरफ से पहले खेलते थे, इसलिए मुझे लगता है ये मैच में बहुत ही मारेंगे। अब ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या, ड्वेन ब्रावो, रविंद्र जडेजा, कुणाल पांडे। ये देखिए, हार्दिक पांड्या, ड्वेन ब्रावो, रविंद्र जडेजा, कुणाल पांडे, ये सारे बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर्स माने जाते हैं, लेकिन हमें इनमें से अच्छे सेलेक्ट करना है। तो हम इनमें से हार्दिक पांड्या को सिलेक्ट करते हैं, कुणाल पांड्या को सिलेक्ट करते हैं, फिर जड्डू को सिलेक्ट करते हैं। और बॉलिंग में हमें सिर्फ कितने क्रेडिट बचे, बहुत ही कम बचे हैं, और हमें 3 प्लेयर्स लेना है उसमें से। तो हम पहले बुमराह को सेलेक्ट करते हैं, फिर हम इन्हें सेलेक्ट करते हैं। तो हमारे पास अभी देखिए 85 क्रेडिट्स बचे, यानी अच्छे बचे हैं। तो हम मुंबई इंडियंस की तरफ से नहीं लेंगे, क्योंकि मुंबई ने हम 5 सेलेक्ट कर दिए, यहाँ पर 5 सेलेक्ट हो चुके हैं। देखेंगे हम फिर हम किस में से सेलेक्ट करेंगे। देखिए, इमरान ताहिर है, मोनू कमोर, हरभजन सिंह। अब इस मैच में जेसन बेहनजोफ खेलने की पूरी संभावना लगती है। यदि संभावना है, यदि आप सेफ प्ले कर रहे हैं, यानी सेफ लेके खेल रहे हैं, यदि ब्लाइंड नहीं खेल रहे हैं, तो आप प्लेयर देख के जेसन बेहनजोफ को सेलेक्ट कर दीजिए। यदि आपको जो सेलेक्ट कर नहीं करना है, तो डायरेक्ट हम इमरान ताहिर को सेलेक्ट कर देते हैं आपके हिसाब से। इमरान ताहिर को, ये देखिए,
यदि बहन रॉफ खेलते हैं तो बहन रॉफ को चूज़ कर दीजिए, क्योंकि बहन रॉफ बहुत ही अच्छे बॉलर हैं इमरान ताहिर के हिसाब के ऊपर, कप्तानी में आई थिंक रोहित शर्मा बेटर और महेंद्र सिंह धोनी भी वाइस कैप्टन के लिए परफेक्ट माने जाते हैं। वाइस कैप्टन आप अंबाती रायडू को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, धोनी को सेलेक्ट मैंने धोनी को किया। ये देखिए जो है महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, रोहित शर्मा, सुरेश रैना, अंबाती रायडू बैट्समैन में, ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, रविंद्र जडेजा, बॉलिंग में बुमराह, इमरान ताहिर, दीपक चहर, ये टीम मैंने सेलेक्ट की थी। इसमें है महेंद्र सिंह धोनी, वही प्लेयर है, सिर्फ केदार जाधव को यहाँ पर यह किया है, जडेजा की जगह जुएन ब्रावो और बॉलर सेम ही रखे हैं हमने। तो आपको लगता है तो हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।